पीटीआई पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश का मामला जीआईटी ने तीसरी बार कल इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के वकला जीआईटी के सामने पेश हुए थे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पीटीआई पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश जो है वो जारी है। जीआईटी ने तीसरी बार कल चेयरमैन इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तलब कर लिया। जिस तरह इमरान खान के वकला जीआईटी के सामने पेश हुए थे, इमरान खान की वकला ने जीआईटी को बयान दिया कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, इसलिए हमारे नारा बयान रिकॉर्ड करवा लें। इमरान खान सिक्योरिटी हेड की वजह से जीआईटी के सामने पेश नहीं हो सके। जीआईटी ने इमरान खान के वकला के बयान रिकॉर्ड नहीं किए। जीआईटी ने वकला को इमरान खान को खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का कहा। जाए के मुताबिक पीटीआई के दीगर रहनुमा भी जीआईटी के सामने इस तरह पेश नहीं हुए थे और दीगर रहनुमाओं को भी तीसरी दफा जीआईटी ने कल 1 बजे सिस्को आपस में तलब कर लिया है। जिन पीटीआई रहनुमाओं को कल तीसरी दफा जो है वो तलब किया गया है, इनमें फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मियां सलीम इकबाल, फरक हबीब, मियां महमूद रशीद, आजाद चौधरी, मसर जमशेद चीमा, डॉक्टर यासिन राशिद समेत दीगर जो रहनुमा है वो शामिल है। अजरा के मुताबिक कल पेश न होने पर जीआईटी अदालत से रहनुमाओं की इंदा पेशी पर जमानतें खारिज करवाने की सलाह करेगी। जीआईटी पुलिस पर पथराव, शद्दत और तोड़फोड़ के 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। ताहल सिर्फ जीआईटी के सामने असद उमर जो है वो अपना पेश हुए हैं, अपना बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। इसके अलावा कोई भी पीटीआई का रहनुमा जो है वो जीआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। ये जो मुकदमात जो जिनकी जीआईटी तफ्तीश कर रही है, ये थाना रेस को सिविल लाइन और शादमान में दर्ज हुए थे, जिनकी जो है वो जीआईटी तफ्तीश कर रही है। इनका चलान जो है तैयार करके दल जो है जीआईटी जो है। बहुत शुक्रिया आपका।